यूक्रेन अब रूस को टक्कर देने के लिए उसी के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यूक्रेन पकड़े गए रूसी टैंकों को तैनात कर रहा है, अमेरिका के थिंक टैंक ने दावा किया है। वहीं यूक्रेन ने उन क्षेत्रों को वापस लेने की कसम खाई है जिन पर रूस ने कब्जा कर रखा है। वाशिंगटन के इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर ने रूसी दावों के हवाले से कहा कि यूक्रेन T-72 टैंकों का इस्तेमाल कर रहा है। ये वही टैंक हैं जिन्हें रूसी सेना ने छोड़ दिया था और अब यूक्रेन रूस के कब्जे वाले क्षेत्र लुहांस्क में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। थिंक टैंक ने कहा कि जवाबी हमले के चलते रूसी सैनिक उच्च गुणवत्ता वाले हथियार छोड़कर भाग गए। सितंबर महीने की शुरुआत में यूक्रेन ने जवाबी हमला शुरू किया है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में यूक्रेन के सैनिक घुस गए थे। कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि यूक्रेनी सैनिक आसपास के इलाकों में घुस गए थे। जवाबी कार्रवाई के दौरान यूक्रेन के सैनिकों को ईजीएम शहर के पास कब्रें मिली हैं। यूक्रेन के उपगृह मंत्री ने एक टीवी चैनल को बताया कि अधिकारियों ने कब्रों की जब खुदाई की तो उनमें शव मिले। ऐसा लगता है कि मरने से पहले लोगों को प्रताड़ित किया गया था। उन्होंने कहा कि शवों की पसलियां, सिर की हड्डी, जबड़ा टूटा हुआ था। उन्हें अन्य तरीकों से भी प्रताड़ित किया गया था। यूक्रेन के अधिकारियों का आरोप रहा है कि रूस ने कब्जाए गए क्षेत्रों में लोगों को प्रताड़ित किया है। हालांकि रूस इन इल्जामों का खंडन करता रहा है। यूक्रेन की सेना अब देश के दक्षिणी हिस्से में आगे बढ़ रही है। थिंक टैंक ने यूक्रेन की सेना के हवाले से कहा कि कीव की फौज ने गोला बारूद के एक डिपो, दो कमान चौकियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली को तबाह कर दिया है।